बुल वर्सेस बेयर कच्चे तेल पर वरुण और नेहा। इंटरेस्टिंग मुकाबला तो मृत्युंजय और नेहा का होना चाहिए, लेकिन वरुण और नेहा का हो रहा है। वेरी नाइस। ओके वरुण शुरुआत कीजिए। डेफिनेटली अनिल जी, तो एक्चुअली मुकाबला मृत्युंजय के साथ ही होना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेरे सामने खड़ा है, तो थोड़ा नर्वस तो हूँ। लेकिन हाँ, बुल बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कच्चा तेल है और कोई स्टॉक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर काफी सारी इकोनॉमीज जो है वो डिपेंड करती है। तो ये जीरो तो नहीं होगा, नो डाउट। एक जमाना था जब नेगेटिव हुआ था, लेकिन उसका कारण था कोविड और चाइना। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो चीन से बेहतर मांग के कहीं ना कहीं आसार है। इस हफ्ते अगर आप देखें तो कच्चे तेल के इंपोर्ट कोटा जो है उसको बढ़ाया है, पिछले साल के मुकाबले इसको 21% के आसपास बढ़ाया गया है, करीब 132 मिलियन टन के आसपास किया गया है। सिर्फ यही नहीं, प्रॉपर्टी बाजार के संभलने से चीन के जो बैंक है उसमें भी और 162 बिलियन के आसपास की क्रेडिट सपोर्ट जो है वो मिला है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है कच्चे तेल को सबसे बड़ा चीन से मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा बुल पॉइंट है मेरे लिए, सपोर्ट पूरे तरह से कच्चे तेल के दाम को है। ये वैलिड पॉइंट रहा डेफिनेटली वरुण, लेकिन चीन बीइंग चीन, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल ही में जैसे ही साल की शुरुआत हुई, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, हमने दोनों की तरफ से 2023 के लिए कुछ बहुत चिंताजनक या कह सकते हैं नॉट वेरी प्लीजिंग या कंफर्टिंग बयान आते हुए देखे हैं। आईएमएफ ने तो साल की शुरुआत में ही कह दिया कि 2023 अभी भी टफ चैलेंजिंग ईयर रहेगा और जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको अभी सतर्क रहने की जरूरत है, स्लोडाउन का रिसेशन का खतरा वहां से टला नहीं है। और वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ कुछ यही बात कही है, वो तो मान के चल रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ की जो गति है, पहला फोरकास्ट उनका जो पिछले साल का था 3% का था, अब घटाकर 1.7% कर दिया है। और ये जो ग्रोथ की गति है ये इसीलिए थोड़ी डराने वाली है क्योंकि 1993 के बाद इतनी धीमी गति से ग्रोथ होती दिखेगी। तो हम चीन के मांग पर डिपेंड करके चल रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ी इकोनॉमीज की डिमांड पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो ये कच्चे तेल के लिए, कीमतों के लिए एक बेयर फैक्टर, एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। डेफिनेटली मांग कम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है उसको लेके भी संदेह है। यूएस की EIA ने कहा है कि रूस का तेल उत्पादन जो है पिछले साल के मुकाबले इस बार 13% के आसपास गिरने का अनुमान है। सिर्फ यही नहीं, 2024 में अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल की जो ओवरऑल खपत है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचने वाली है, यानी कि डिमांड और सप्लाई का एक पूरे तरह से मिसमैच जो है वो आपको देखने मिलेगा, जिसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है कच्चे तेल के दाम को मिल सकता है। ये बात आपने सही कही, लेकिन अमेरिका के जो हाल ही के वीकली इन्वेंट्री डेटा आए हैं वो 2 साल में सबसे बड़े डेटा है वरुण, क्योंकि 190 लाख बैरल का जो हमने एक हफ्ते में हाइक देखा, ये कभी देखने को मिला ही नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हीटिंग ऑयल की डिमांड, गैस की डिमांड इस समय जो सबसे ज्यादा आती है यूएस यूरोप में, वो नहीं आ रही है क्योंकि जनवरी एक विंटर हीटवेव साबित हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो ये डिमांड और सप्लाई साइड दोनों तरफ से कच्चे तेल की कीमतों पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। डेफिनेटली बहुत कुछ होता है जो कि पहले बार होता है, और ऐसा ही हमने पहले बार एक चीज देखी जो कि डॉलर इंडेक्स अच्छी खासे उछाल उसमें आया था। इसके लिए आपने देखा अक्रॉस कमोडिटीज जो है वहां पे प्रेशर देखने मिला था, लेकिन अब फिर से डॉलर इंडेक्स अपने नॉर्मल स्तर पे पहुंच रहा है। 101 डॉलर के आसपास आके ये स्थिर हो सकता है, ऐसे काफी सारी एजेंसीज कह रही है। और आपको याद होगा 112-113 डॉलर के आसपास गया था, तो वहां से अगर डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता है तो इसका बड़ा सपोर्ट जो है अक्रॉस कमोडिटीज देखने मिलेगा। कच्चा तेल भी अछूता नहीं है, वहां पे भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। वैसे एक बात आपको बता दूं कि डॉलर अभी हल्का होना शुरू नहीं हुआ, ये 3 महीने पहले ही शुरू हुआ था, और बावजूद इसके अभी जो कच्चे तेल में है वो नेगेटिव रिटर्न्स है। तो डॉलर इंडेक्स, सॉरी टू से, ये नीचे आया जरूर, लेकिन बहुत सपोर्ट कच्चे तेल को मिला नहीं है। साथ ही ये भी बता दूं कि EIA ने, यहां पर जो अमेरिका की एनर्जी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि यहां पर जो उत्पादन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक प्रेशर फैक्टर होगा डेफिनेटली। लेकिन काफी सारी जो बड़ी एजेंसीज है 110 से 120 डॉलर के आसपास का लक्ष्य दे रही है। आप गोल्डमैन को देख लीजिए, S&P ग्लोबल, UBS, सबके सब 110 से 120 डॉलर के आसपास कच्चे तेल का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन वहीं सामने कुछ और भी ऐसे हैं जो मानते हैं कि प्रेशर रहेगा। बाकलेस तो 15 से 25 डॉलर तक अपना टारगेट ट्रिम करने की बात कर रहा है। JP Morgan 90 डॉलर का स्तर यहां बता रहे हैं, और अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ऑलरेडी 18% का कट अपने प्रीवियस अनुमान में दे चुका है, मान रहे हैं कि ब्रेंट 83 डॉलर का औसत छुएगा। ओके, हो गए दोनों के तर्क। वैसे तो देखा जाए तो इसका फैसला जो है कच्चे तेल का बुल वर्सेस बेयर में नेहा के पक्ष में जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए नहीं कि वरुण ने पहले ही मान लिया कि नेहा डोमेन एक्सपर्ट है, ये राष्ट्र हित में। हाँ, वो तो बात सही है। बाय द वे, एक्चुअली जब आप दोनों बुल वर्सेस बेयर के लिए आए तो मैं देख रहा था आप दोनों बीच में आके कुछ 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 वो वर्सेस जहाँ लिखा हुआ ना वहां की चर्चाएं कर रहे थे, फिर नेहा कुछ कुछ बोल रही थी, वरुण चुपचाप सुन रहे थे।
तो वरुण ये पहले से डिसाइड था कि जो जो नेहा बोलेगी वही आप बोलेंगे, वही अनिल जी आप बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत ऑटो एक्सपो की थी अनिल जी, खेल गैस की नहीं थी। अच्छा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। मुझे लगा कि नेहा ने आपको बताया कि यही यही करना है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही करना। अरे नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। बोले मैं जानती हूँ कच्चे तेल, तुम क्या जानते हो, तो मैं जैसा बोलती हूँ ऐसा तो नहीं ना। अच्छा, आपकी मर्जी के थे ना सारे तर्क। हाँ जी बिल्कुल, चलिए पूछ के ही लिखे थे। देन यू प्लेड वेरी वेल। हाँ, देन यू प्लेड वेरी वेल। ओके, तो बुल वर्सेस बियर कच्चे तेल पर कोई अपनी विशेष टिप्पणी हमारे एक्सपर्ट्स में से देना चाहें कच्चे तेल पर? जी जैन साहब। यस, देखिए आपने बहुत सही कहा कि आपने मेरी बात ही एक तरीके से बोल दी। हम तो नेहा के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल में मंदी रहे तो राष्ट्र हित में भी है, और नेहा देखिए डोमेन एक्सपर्ट है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मैं तो इनके साथ 2011 से आई थिंक शोज कर रहा हूँ, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड में एक बॉटमिंग आउट हो गया है और बहुत ज्यादा मंदी मुझे लगती नहीं है, यहाँ से एक बाउंस ही आना चाहिए। तो वरुण जी के साथ भी मैं थोड़ा यही बोलूंगा कि एक बाउंस प्ले है। सो बहुत बढ़िया टॉपिक लाया जो शेयर के जगह पे कच्चा तेल को लाया है, तो ग्रोथ के इश्यूज तो है ही है, बट चाइना का फैक्टर भी है, अमेरिकन रिजर्व्स भी है, तो कुल मिला के एक रेंज बाउंड मूवमेंट मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश, एट द सेम टाइम आई एम नॉट वेरी ऑल्सो, क्योंकि नीचे से बाउंस आने लगा है। सो मैं थोड़ा सा गोलमाल रिप्लाई दे रहा हूँ। तो ये है आपके लिए जैन साहब की राय जो आपको वहीं पर रखती है, जो जितना आपको पहले से जहां आप थे वहीं पर। तो नेहा के साथ तो जाना है, डोमेन एक्सपर्ट है, और वरुण का शो भी कई बार जैन साहब को करना पड़ता है, तो उनसे भी नाराज वो करना नहीं चाहते। तो नहीं, बट जो आपने कहा ना बुल के पक्ष में कोई आ ही नहीं सकता। हाँ, इंडिया में तो आप बुल के पक्ष में तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, बराबर ये बात। कोई भी लेवल पे भाव भाव आ जाए ऊपर, वो अलग बात है। तो चलिए, ये है कच्चे तेल पर पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए आता हुआ बुल वर्सेस।